अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना आमिर, किचन विद सना आमिर के साथ ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का हलवा, जिसके लिए मैंने चने की दाल ली है 3 कप। ये बॉईल करके रखी हुई है, ये देखें, ये बॉईल करके रखी हुई है। इसको मैंने पहले आधे घंटे के लिए धोकर पानी में डालकर रख दिया था। उसके बाद मैंने पानी फेंक कर इसके अंदर 1.5 कप दूध और 1.5 कप पानी डाल के इसको बॉयल करके रखा हुआ है। यहाँ हमने लिया है खोपरे 1 प्याली, बादाम लिए हैं 1 प्याली, थोड़े से पिस्ते लिए हैं, कटा हुआ खोपरा लिया है, और हमने लिया ये इलायची पाउडर लिया है, 3-4 इलायचियों का पाउडर बना के रखा हुआ है, 1 प्याली हमने घी लिया है, चीनी लिए हमने 3 कप। तो पीस लेंगे, देखिए हमारी दाल पीस गई है, रेडी हो गई है। अब हम उसमें घी डाल लें, इलायची पाउडर डालेंगे, अब हम इसमें अपनी दाल ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे घी में और खूब भूनेंगे इसे। फ्लेम बिल्कुल लो है हमारा, हाई पे नहीं बनाना है इसको। पंद्रह मिनट हो गए हमें दाल को भूनते हुए, दाल ने हमारी कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। लगातार इसमें चमचा चलाना है, इसे छोड़ना नहीं है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे, चीनी मेल्ट होगी। इसमें भी चमचा चलाना है, अगर आपने चमचा छोड़ दिया तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी इसी स्टेज पर चीनी डालने के बाद, तो चीनी पानी छोड़ेगी। फ्लेम थोड़ा मैंने मीडियम किया हुआ है इस वक्त, ये देखें चीनी हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। ये अच्छे से हम इसमें चमचा चला रहे हैं, ये देखें, छोड़ना नहीं है इसे वरना गुठलियाँ पड़ जाएंगी इसमें। अच्छे से इसको भूनना है, फ्लेम अभी मीडियम है। बहुत अच्छे से भूनना है इसको, देखिए 10 मिनट हो गए लगातार मुझे चमचा चलाते हुए। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ खोपरा, पिस्ते, बादाम डालेंगे, पिसा हुआ खोपरा डालेंगे, बादाम डालेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अभी और भूनना है इसको, जब तक कि और इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाए। हलवा जितना भुनेगा उतना ही जायका इसका अच्छा होगा, वरना चने की दाल का कच्चापन आपको महसूस होगा खाते हुए। ये देखें हमारा हलवा बस रेडी होने ही वाला है, ये देखें ये पूरा हलवा साइड से हट रहा है, ये देखें किनारे छोड़ दिए हलवे ने, ये देखें ये एकदम से हटना शुरू हो गया है, यही निशानी होती है हलवा रेडी होने की। बस अभी हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे, अब हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे, मिक्स करेंगे, हलवा हमारा रेडी हो गया है। ट्रे को मैंने ग्रीस करके रखा हुआ है, अब बस आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा रेडी है। अगर आपको मेरी अम्मी की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब